लूथरा हाउस में आते ही प्रीता की याददाश्त आने वाली है दोस्तों वापस, और प्रीता देख लेगी करण को, और करण को देखते ही प्रीता की याददाश्त वापस आते ही करण को गले लगते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आएगी दोस्तों प्रीता। और साथ ही साथ होने वाला है दोस्तों दो सबसे बड़ा खुलासा कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा और यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, सारी की सारी बातें जो हैं आज आपको बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं प्रीता जो है अपकमिंग एपिसोड में लूथरा हाउस जाने वाली है, क्योंकि राजवीर जो है लूथरा हाउस में है और वो शौर्य से मुकाबला लड़ता हुआ वो नजर आएगा लूथरा हाउस में, क्योंकि शौर्य से उसको बदला लेना है। अब शौर्य को और यहां पर राजवीर के बीच में जो लड़ाई होने वाली होगी, उस लड़ाई को रोकने के लिए प्रीता जो है लूथरा हाउस में जाएगी पलकी के साथ मिलकर। पलकी अलग जाएगी और प्रीता अलग जाएगी। अब यहां पर वो जाएगी, वो राजवीर को जो है वो ढूंढने की कोशिश करेगी, ऐसे में वो टकरा जाएगी दोस्तों किसी और से नहीं बल्कि आपको बताना चाहते हैं करण से। हालांकि करण जो है प्रीता को पहचान लेगा और वो पूरी तरह से चौंक जाएगा, क्योंकि प्रीता उसके आंखों के सामने होगी और ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाएगा और प्रीता को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी बीच में जो है आग की लपटों में जो है पूरी तरह से फंस जाएगी यहां पर प्रीता, और प्रीता को आग की लपटों में देखकर तब पहचानेगा, तब ये जानेगा कि प्रीता तो आग की लपटों में है। और कुछ समय पहले प्रीता को वो देखा था इसी पार्टी में, और उस पार्टी में उस पार्टी में देख चुका होगा करण, और करण को ये बात जब पता चलेगा कि प्रीता जो आग की लपटों में फंसी हुई है, तो प्रीता को बचाने के लिए वो आग की लपटों में कूदेगा और आग की लपटों में कूदकर प्रीता को बचाएगा। अब इस दौरान जो है प्रीता की याददाश्त जो है वो वापस से आने वाली है, प्रीता की याददाश्त वापस से आ जाएगी। प्रीता करण को देखकर पूरी तरह से करण को ये कहते हुए नजर आएगी, करण तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, और साथ ही साथ रुद्र जो है मेरे साथ है, सही सलामत है, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएगी करण के सामने। और करण के सामने ये बात बोलते ही प्रीता जो है वो होने वाली है दोस्तों पूरी तरह से बेहोश। अब यहाँ पर अब कुछ समय के लिए ही याददाश्त वापस आएगी प्रीता की। अब ऐसे में करण जो है प्रीता के सामने ये खुलासा करने का ये बात बोलने वाला है कि प्रीता मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और मैं तुम मुझे नहीं दिखी तो मैं पूरी तरह से चेंज हो गया, तुम्हारे लिए चेंज हो गया प्रीता। तुम चाहती थी ना कि मैं ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, बिजनेस टाइकून के रूप में नजर आऊं, मैं वैसा हूं प्रीता, तो ये बात जो है वो बोलता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ करने वाला है बड़ा खुलासा। और वहीं निधि जो है यहाँ पर पूरी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि निधि जो है वो नेगेटिव करने की कोशिश करेगी यहाँ पर भी, अब जब प्रीता और करण की जब मुलाकात होगी तब भी। तो ये इस तरह से महासंगम जो है वो होने वाला है। वहीं फैमिली वाले पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे, और क्या होगा जब पता चलेगा शौर्य को कि प्रीता ही उसकी असली माँ है, ये बात जब उसे पता चलेगा तो भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब देखने को मिलेगा। हालांकि प्रीता जो है अब उसको ये बात ज़रूर पता चलने वाला है कि करण जो है उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। हालांकि कुछ समय के लिए ये याददाश्त वापस आएगी और करण जो है ये बात कहेगा प्रीता को, लेकिन ये बात पता चलने वाला। अब प्रीता को जब होश आएगा तो क्या याददाश्त वापस से रहेगी प्रीता के पास या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा।